टीकमगढ़ गांधी चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर शहीद सपूतों को सादर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नजरबाग प्रांगण से तिरंगा यात्रा प्रारंभ कर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए गांधी चौराहे पर एकत्र होकर तिरंगा यात्रा समापन कर हवाई यात्रा में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सादर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र खटीक, जिलाध्यक्ष अमित नूना, राहुल तिवारी सहित भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। श्रद्धेय विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सेना अधिकारी जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अनंत यात्रा के लिए इस धरा को छोड़कर चले गए, ऐसे उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे शहर में तिरंगा यात्रा के माध्यम में कार्यक्रम किया है। साथ ही गांधी चौराहे पे उनको शब्द रूपी और पुष्पांजलि के माध्यम से भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसमें हमारे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय अमित नन्ना जी सहित प्रदेश के महामंत्री युवा मोर्चा भैया राहुल तिवारी जी सहित सभी लोगों ने भाग लिया और युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने आज देश प्रेम के प्रति अपना उत्साह जाहिर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमारे देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और 12 अन्य सैन्य अधिकारियों का जो आकस्मिक दुर्घटना में निधन हुआ, घटना के बाद पूरा देश स्तब्ध रह गया था। सहसा ही लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, हिमालय की दृढ़ता जैसे देश की सीमाओं के लिए रक्षा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और हमारे बाकी सैन्य अधिकारी हम सबके बीच में से अचानक इस तरह से चले गए। पूरे देश ने सैन्य अधिकारियों को, बिपिन रावत जी सहित सभी सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने का उसी दिन से सिलसिला प्रारंभ हो गया था। मैंने भी बिपिन रावत जी के बंगले पर जब उनके पार्थिव देह वहाँ पर लाई गई और उसको पूरे सैन्य सम्मान के साथ जब ले जा रहा था, तो ले जाने के पूर्व हम सभी लोगों ने उनके बंगले पर जाकर उनके प्रति और अपने सभी सैन्य अधिकारियों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। टीकमगढ़ युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ के युवाओं को एकत्रित करके तिरंगा यात्रा के माध्यम से के पूरे देश की जनता उन दुखी शोक संतप्त परिवारों के साथ में खड़ी है। ये केवल उनके परिवार के लिए अकेला दुख नहीं है, पूरे देश के लिए अपूर्ण क्षति हुई है। और बिपिन रावत जी के साथ में मेरा बहुत नजदीक के साथ में उनके साथ में मिलना होता था, कई बार हम लोग एक एक घंटे बात भी होती रहती थी। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था कि जनरल बिपिन रावत जी और सैन्य इतने बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारियों के साथ इस तरह की घटना घटित हुई है। उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से नगर में देशभक्ति के गीत गाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई और यहाँ पर आकर सभी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। किस तरह की विपरीत परिस्थितियों में हमारे सैन्य अधिकारी और सैनिक हमारे, चाहे वो वायुसेना की बात हो, चाहे थल सेना की बात हो या जल सेना की बात हो, हमारे देश के सैन्य अधिकारी और सैनिक वो ये सोच के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।